हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी चाट, जो मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है इसको, बिना चने और बिना मटर भिगोए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया है मैदा, और मैंने जितना मैदा लिया है उसके एक चौथाई मैं इसमें डाली हूँ सूजी। जैसे आप अगर एक कप मैदा ले रहे हैं तो उसके एक चौथाई आप उसमें सूजी डालिए। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, और इन सबको मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए मैं इसमें डाल रही हूँ, एक सर्विंग स्पून है तो इससे भर के मैं एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हम मलेंगे पूरे आटे में, ताकि ये इसका मोयन जो है वो अच्छे से डल जाए। पापड़ी बन रही है तो मोयन डालना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये हो गया, मैंने इसका मोयन लगा लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम डो तैयार करेंगे, ये देखिए। और इसको हम बहुत अच्छे से मलेंगे आटे को, ये देखिए। तो बस ये हो गया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इधर मैंने एक प्लेट में बॉयल्ड आलू को छील के उसके छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए थे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। इसके बाद इसमें जा रहा है चाट मसाला। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से सफ़ेद नमक। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज। और सबसे लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ। और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इधर एक बाउल में मैंने उबले हुए आलू को मैश करके रखा हुआ है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, ये देखिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से दबा दबा के चारों तरफ बराबर से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरी मिर्च और लहसुन का थोड़ा सा दरदरा पेस्ट है, वो डाल रही हूँ मैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। और इसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक। और सबसे लास्ट में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आप खट्टा कम खाते हैं तो किसी एक में चाट मसाला को स्किप करिएगा, क्योंकि बाद में हमें दही भी डालनी है और इमली का पानी भी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसे गैस पे रख रही हूँ, 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, इसमें उबाल आने लगा है थोड़ी देर और। तो ये देखिए, ये थोड़ी देर पकते हुए हो गए, लगभग 10 मिनट। तो ये बिल्कुल पक चुका है। तो यहाँ पे गैस को हम बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल फूल चुका है। तो इसको एक बार फिर से हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। और ये हो गया। तो अब हम इसकी लोई बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसकी लोई बना ली है। अब एक एक लोई को लेके बिल्कुल रोटियों की तरह बेलेंगे हम। और इसे पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल भी मत बेलिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से चारों तरफ से बेल लिया है और पतला बेला है। तो इसको एक फोर्क लेके देखिए, मैं ऐसे कर रही हूँ। इसको ऐसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पापड़ी है, ये फूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो कचौड़ियों जैसी बन जाएगी। अब ये हो गया। तो अब देखिए, मेरे पास ये एक ग्लास है, तो इससे मैं पापड़ी निकालूंगी। आपके पास जो भी छोटा सा कटोरी हो, या फिर कोई ढक्कन हो, या फिर कटर हो, किसी से भी आप इसको काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस ग्लास से निकाल रही हूँ बिल्कुल ऐसे। तो बस इसी प्रोसेस से मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली, और उसको भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही इस ग्लास से पापड़ी निकाल लिया। तो चलिए, अब हम इसे तलते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को यहाँ पे लो करते हैं, और अब मैं इसमें पापड़ी डाल रही हूँ, ये देखिए। और पापड़ी को हर एक दो मिनट पे इसे पलटते रहेंगे, जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए तब तक लो फ्लेम रखेंगे, ये देखिए। और इसमें थोड़ी जगह है तो मैं और भी पापड़ी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो हर एक दो मिनट पे इसे पलटते रहेंगे, ये देखिए। तो ये क्रिस्प होने लगी है। तो यहाँ पे आंच को हम थोड़ा तेज़ करेंगे, ताकि इसे हम ब्राउन कर लें। तो यहाँ पे देखिए, ये पापड़ी हमारी ब्राउन होने लगी है। तो बस ये हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे, और बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम सारी पापड़ी को तल लेंगे। तो चलिए, अब हम इसकी प्लेटिंग करें। तो सबसे पहले हम एक प्लेट में पापड़ी लेंगे, ये देखिए ऐसे। और बीच में हम इसके बारीक कटे हुए आलू रखेंगे।
इसके बाद आलू वाली ग्रेवी, और इसके बाद इसमें जा रही है दही, इसके बाद इसमें हरी चटनी जाएगी, इसके बाद मीठी चटनी जाएगी, इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे काला नमक, इसके बाद इमली का खट्टा पानी, खट्टा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, भुना जीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे इसको, और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ये सेव भुजिया। तो बस ये हो गया, तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आई होप आप सबको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।